channel Sports Science and press the bell icon to watch latest videos related to sports science. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, aaj jo hai hamara agla topic jo hai league system ke through jo hai hum number of teams agar hame 7 di hui ho to unke jo hai fixture ya tables hum kaise draw karenge wo aaj hum aapko detail ke sath batayenge. To video thodi si lambi hogi agar jo नॉलेज हासिल करना चाहते हैं काइंडली हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा. अच्छा जी शुरू करते हैं. माय नेम इज वसीम एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्पोर्ट्स साइंस. अच्छा जी हम अपने टॉपिक को यहाँ पे ऊपर मेंशन कर लेते हैं कि हमारा जो है लीग सिस्टम जो है उसके थ्रू जो है हम नंबर ऑफ टीम्स अगर हम दी हो नंबर ऑफ टीम्स जो है अगर उनकी तादाद जो है हमारे पास साल भी दी हो तो हम जो है उनके जो है टेबल्स या फिक्स्चर्स लीग सिस्टम के थ्रू कैसे ड्रा करेंगे वो आज हम देखेंगे. अच्छा जी इसका फार्मूला जो है नंबर ऑफ टीम्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन के साथ. ठीक है जी. अब नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं. नंबर ऑफ मैचेस अगर हमें नंबर ऑफ मैचेस फाइंड करने हो तो उसका बहुत सिंपल फार्मूला है एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू. अब यहाँ पे जो है हम इनके अंदर वैल्यूज फिट करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो है नंबर ऑफ मैचेस आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं. देखें जी एन हमारे पास क्या है सेवन है. सेवन इंटू सेवन माइनस वन ओवर टू. अब देखें सेवन इंटू सेवन माइनस वन मीन्स कि सिक्स ओवर टू. अब हमारे पास जो है सिक्स मल्टीप्लाई बाय सेवन या सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो इज इक्वल टू फोर्टी टू ओवर टू. अब जो है फोर्टी टू को हम डिवाइड करेंगे टू के साथ. अब देखेंगे टू वन जर टू 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 जर फोर टू वन जर टू तो हमारे पास क्या आता है ट्वेंटी वन. तो इसका मतलब क्या है कि हमने लीग सिस्टम को यूज करते हुए हमने जो है नंबर ऑफ मैचेस जो है वो फाइंड करने हैं 21. तो हमारे पास नंबर ऑफ टीम जो है उनकी तादाद 7 होगी. तो चलें जी टाइम वेस्ट के बगैर जो है हम इनके टेबल जा करते हैं. इनके जो है दो टेबल बनाए जाएंगे. पहले टेबल में हम ये चेक करेंगे क्या वाकई हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस 21 ही बनते हैं और बाद में जो सेकंड टेबल हमारे पास होगा उसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि कितने पॉइंट या कितनी पोजीशन जो है किस पोजीशन पे कौन सी टीम आ रही है. तो चलें ये शुरू करते हैं. हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स जो है 7 है तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं अल्फाबेट से. ठीक है जी. यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टीम 1 है. बी सी डी ई एफ जी एच. अब देखिए जी हम चेक करते हैं कि हम जो है नंबर ऑफ टीम हमारे पास 7 दी गई थी तो हमने 7 ही यहाँ पे मेंशन किए 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जी तक आएंगे. ठीक है जी. अब हमने क्या करना है इनका टेबल ड्रा करना है. टेबल के अंदर हमने जो है मैचेस को फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस 21 ही निकलते हैं. तो चलो जी इसका टेबल टाइम बेस के वगैरह ड्रा करते हैं हम. अच्छा जी ये देखें हमने जो है टीम्स को सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमें जो है इनको मैचेस असाइन करते वक्त किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े. ठीक है जी. जैसे मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है इनको रो वाइज और ऐसे ही जो है हम इनको कॉलम वाइज भी सेपरेट कर लेंगे. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम जो है 7 है 1 2 3 4 5 6 7. तो इनको जो है हम बिल्कुल ऐसे ही जो है इनको मेंशन भी करेंगे. तो वो कैसे मेंशन करेंगे आपने जो है यहाँ पे जो है लाइन ड्रा करनी है उसके बाद जो है आपने 7 जो है बॉक्सेस क्रिएट करने हैं तो जिनके अंदर जो है आप टीम्स को जो है पोजीशन जो है दे सकें ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो 1 2 3 4 5 6 और 7. इसको जो है देखिए अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 7 बन चुके हैं. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे भी नंबर ऑफ
तीन जो है उनको डिनोट कर लेंगे, डी ई एफ जी। ठीक है जी, ये जो टीम हमने यहाँ पर मेंशन की है बिल्कुल इन्हीं टीम को हम जो है ऊपर मेंशन कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इनको जो है हमने सेपरेट करना है कि कैसे हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी टीम जो है किस टीम के साथ जो है अपना मैच खेलेगी। अब देखें जी, यहाँ पे हम जो है इनके फिक्स ड्रा करने जा रहे हैं, इनके मैचेस ड्रा करने के लिए टीम ए जो है टीम ए के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, तो इसका जो है मैच किस किस टीम के साथ होगा, ए बी के साथ खेलेगी, टीम ए जो है सी के साथ खेलेगी, टीम ए जो है डी के साथ खेलेगी, और ऐसे ही टीम ए जो है टीम नंबर ई के साथ खेलेगी, और टीम ए जो है टीम नंबर एफ के साथ खेलेगी, और टीम ए जो है टीम नंबर जी के साथ भी खेलेगी। ठीक हो गया, अब उसके बाद हम चलते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी जो है बेसिकली अपने साथ मैच नहीं खेल सकती, इसके लिए जो है वो किस किस टीम के साथ मैच खेलेगी वो टीम, तो हम देखते हैं टीम बी जो है सी के साथ खेलेगी, टीम बी जो है डी के साथ खेलेगी, टीम बी जो है टीम नंबर ई के साथ खेलेगी, टीम बी उसके बाद टीम नंबर एफ के साथ खेलेगी, और ऐसे ही टीम बी जो है टीम नंबर जी के साथ भी अपना मैच खेलेगी। उसके बाद हम मूव करते हैं हमारी थर्ड नंबर पे टीम जो है टीम नंबर सी। ये टीम किस किस टीम के साथ खेलेगी, टीम नंबर सी जो है डेफिनेटली अपने साथ तो मैच खेल नहीं सकती, इसलिए हमने जो है इस बॉक्स को हमने जो है क्रॉस कर दिया है। टीम डी सी जो है वो किसके साथ मैच खेलेगी नेक्स्ट अपना, टीम सी जो है डी के साथ खेलेगी, टीम सी जो है ई के साथ खेलेगी, टीम सी जो है टीम एफ के साथ खेलेगी, और टीम सी जो है टीम जी के साथ भी अपना मैच खेलेगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारी फोर्थ नंबर पे टीम है टीम नंबर डी। टीम नंबर डी जो है टीम नंबर डी अपने साथ यहाँ पे कोई मैच भी नहीं खेलेगी। उसके बाद टीम डी किस किस टीम के साथ खेलेगी, टीम डी जो है टीम नंबर ई के साथ खेलेगी, टीम डी जो है टीम नंबर एफ के साथ खेलेगी, टीम डी जो है टीम नंबर जी के साथ भी खेलेगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पांचवें नंबर पे जो टीम है टीम नंबर ई। ये टीम किस किस टीम के साथ अपना मैच प्ले करेगी, किस किस टीम के साथ अपना मैच खेलेगी वो जो है हम चेक कर लेते हैं। टीम ई जो है डेफिनेटली अपने साथ अपना मैच नहीं खेलेगी। उसके बाद टीम ई जो है अपना मैच खेलेगी टीम एफ के साथ खेलेगी, टीम ई जो है टीम नंबर जी के साथ भी खेलेगी। उसके बाद हम हमारी सेकेंड लास्ट टीम की तरफ मूव करते हैं जो टीम नंबर एफ है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि टीम नंबर एफ आया के अपना मैच यहाँ पे खेलेगी, अपने साथ तो डेफिनेटली नहीं खेल सकती, तो टीम एफ जो है यहाँ पे टीम जी के साथ ही खेलेगी। अब डियर व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो हमने टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकाले थे उनकी तादाद ही 21, तो क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस भी 21 ही आ रहे हैं। तो हम काउंट करते हैं, देखिए जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो फार्मूला था जिसके मुताबिक हमने जो है 21 मैचेस निकाले थे वो हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। अब हमारे जो सेकंड जो है ए लीग सिस्टम का जो सेकंड हमारे पास टेबल बनेगा उसकी तरफ मूव करते हैं कि उस टेबल के अंदर हमने किस तरह से पोजीशन फाइंड करनी है डिफरेंट टीम्स की। तो चलें जी मूव करते हैं पोजीशन फाइंड करने के लिए। हमारे पास टोटल नंबर टीम जितनी है उनको हमने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 7 हैं, तो हम ऐसे ही अल्फाबेट्स इनको मेंशन कर लेते हैं, सी डी ई एफ जी। ठीक है जी, अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 7 है। उसके बाद जो है हमने ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये कॉलम हमारे पास क्या मेंशन करना है, नंबर ऑफ टीम्स, ये टीम्स हम लिख लें। उसके बाद सेकंड हमारे पास कॉलम किस चीज का बनेगा, हमारे पास कॉलम बनेगा मैचेस। ये जो नंबर ऑफ टीम्स है ये कितने कितने मैचेस अपने खेलेंगी, तो ये उस चीज का कॉलम हमारे पास बनेगा। उसके बाद थर्ड कॉलम जो है हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है कितने विन किए हैं एक टीम ने। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टी डब्ल्यू टोटल विन, और हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो कॉलम बनेगा टोटल विन के बाद टोटल लॉस, और जो है हमारे
पास लास्ट नंबर पे जो कॉलम जो है इम्पोर्टेंट कॉलम, जिसको हमने जो चीज़ें हमने फाइंड करने के लिए सारी जो है मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन हमने की है, वो लास्ट कॉलम हमारे पास बनेगा पोजीशन का। ठीक है जी, अब हमने अब इन टीम्स को सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमें जो है इनको वैल्यू देते वक्त किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है जी, तो ये मैंने जो है हर टीम को सेपरेट कर लिया ताकि हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ टीम्स थी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं हमारे पास 7। तो क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम जो है 7 जो है, कितने कितने हर टीम मैच खेलेगी? डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ टीम्स अगर 7 हैं तो इसका मतलब क्या है कि हर टीम जो है टोटल नंबर ऑफ मैचेस 6 खेलेगी। हर टीम यानी टोटल नंबर ऑफ टीम नहीं, यानी ये टीम ए है तो ये अपने 6 मैच कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6। तो इसका मतलब है कि अगर टीम ए मैच खेल रही है 6 तो टीम बी भी 6 ही खेलेगी, सी भी, और ऐसे ही सभी नंबर ऑफ टीम जो है 6-6 मैचेस भी अपने कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं टोटल विन की तरफ। अगर हम देखें कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ टीम दी गई हैं उन्होंने कितने कितने मैचेस पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे लीग सिस्टम के अंदर कितने कितने मैचेस विन किए हैं, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इस कॉलम के अंदर। अब देखिए टीम ए फॉर एग्जांपल, टीम ए ने 6 मैच खेले तो 6-6 ही उसने विन किए हैं। उसके बाद टीम बी जो है उसने 5 विन किए, इसने 4 किए, इसने 3 किए, इसने 2 किए विन, इसने 1 मैच विन किया, और ऐसे ही जो लास्ट टीम जो है इसने 0 मैच विन किए। ठीक है जी, ये फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली एग्जैक्ट नहीं वैल्यू, आप अपनी मर्जी के मुताबिक ही भी इनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है टोटल लूज मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस लूज किए जितने हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। वो कैसे मेंशन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस में से टोटल विन मैचेस को हम निकाल लेते हैं। आप देखें यहाँ पे टोटल लूज कितने मैचेस किए, 6 में से 6 निकाला तो 0 हमारे पास है, 6 में से 5 निकाला तो 1 आ गया, 6 में से 4 निकाला 2, 3 में से हमने 3 निकाल लिया तो हमारे पास डेफिनेटली 3 ही बचता है। और ऐसे ही अगर हमारे पास टीम ई जो है 6 मैच खेलती है और टोटल मैच जो है 6 में से 2 विन करती है तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे 4 ही आता है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास टीम एफ जो है वो 6 मैच खेलती है, 6 में से 1 विन करती है तो हमारे पास कितने आएंगे, 5। और आप देखें लास्ट टीम जो है हमारे पास टीम नंबर जी, वो कितने मैचेस खेल रही है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 6 खेल रही है लेकिन विन उसने कोई भी मैच नहीं किया। तो हम यहाँ पे टोटल लूज कितने मैच लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे क्योंकि उसने मैच ही कोई विन नहीं किया उस टीम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट और इम्पोर्टेंट कॉलम है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे जो है हमने पोजीशन फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जहाँ पे हमने लीग सिस्टम को यूज करते हुए टोटल नंबर ऑफ टीम जो है हमने 5 ली थी, तो उन टीम्स के हम जो है पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं। तो पोजीशन फाइंड करने का फार्मूला है कि टोटल मैचेस जो विन की हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 2 के साथ, टोटल विन मल्टीप्लाई बाय 2। आप देखेंगे टोटल विन जो है इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये हमारे पास पोजीशंस जो हैं हमने यहाँ पे लिखनी है। तो ये देखें जी, चेक करें, हमने अब इनको सिंपली जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई ही करना है। अब देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 is equal to 6 and 2 multiplied by 2 4, 2 multiplied by 1 2 and 2 multiplied by 2 0 और 0 multiplied by 2, तो आंसर हमारे पास इसका 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इन चीज को पोजीशन लिखना जो है बहुत ही आसान होगा कि हम पहली टीम जो है पोजीशंस कैसे फाइंड करेंगे, जिस टीम की
जिस टीम के पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे उस टीम की पोजीशन भी वैसे ही रैंक करेगी। अब देखेंगे सबसे ज्यादा इन में से पॉइंट्स किस टीम के है, तो डेफिनेटली टीम नंबर ए जो है उसके पॉइंट्स 12 है, तो इसकी पोजीशन जो है फर्स्ट होगी। इसी तरह जो है टीम बी जो है उसके पॉइंट 10 है, तो उसकी जो है सेकंड पोजीशन होगी। और लास्ट में जो है टीम नंबर सी जो है उसके पॉइंट जो है 10 से कम है 8, यानी कि बाकी सभी 8 से पॉइंट्स कम है, तो इसका मतलब जो है उसके जो है पोजीशन जो है थर्ड नंबर पे प्लेस करेंगे। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी थी लीग सिस्टम को यूज करते हुए। ये सारा जो है हमने फिक्स्चर जो है बना के आपको हर चीज बताई है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो या आप जो चाहते हो कि हमें इस नंबर के जो है लीग सिस्टम के को यूज करते हुए या जो है हम जो है नॉकआउट सिस्टम को यूज करते हुए आपको फिक्स्चर बना के यहाँ पे दिखाएं, तो काइंडली हमें कमेंट लाजमी करें। हम आपके कमेंट को जो है लाजमी पढ़ के उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे उसके फिक्स्चर भी बना के आपको दिखाएंगे। तो हमारी वीडियोस को काइंडली अपने जो है स्टूडेंट्स जो है स्पोर्ट्स साइंस के उनके तक प्रमोट करें। हमें प्रमोट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हम मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए अल्लाह।